मेरे चैनल कुकिंग विद कमल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं कुकिंग विद कमल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का शाही हलवा, जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत डिफरेंट स्टाइल से मैं बनाना सिखाऊंगी। इस मेरी रेसिपी को फुल एंड तक देखें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। शाही हलवा बनाने के लिए हम लोगों को जो अज़ा चाहिए, 1 कप मैंने सूजी ली है, 1 कप देसी घी लिया है, 1 कप चीनी ली है। इन तीनों की क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए। 4 इलायचियाँ ली है मैंने, 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया। नट्स हसब ज़रूरत आप जितने लेना चाहें। 1/2 लीटर मैंने पानी लिया है और पिंच मैंने कलर फूड कलर लिया है। चले रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे इसमें और 2 इलायची ऐड करेंगे इसमें, पिंच इसमें हम लोग फूड कलर ऐड करेंगे। चाशनी को हमें सिर्फ इतना पकाना है कि हमारी ये चीनी अच्छी से मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट हो चुकी हुई है, इसे एक साइड पे कर लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें देसी घी ऐड करेंगे। घी मेल्ट हो जाए ज़रा। घी मेल्ट हो गया हुआ है, इसमें 2 हम लोग इलायचियाँ डाल लेंगे। हल्का से इसे कड़करा लेंगे। अब इसमें हम लोग 1 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी को हम लोगों को लाइट ब्राउन करना है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि सूजी नीचे से लगे नहीं। मीडियम टू लो फ्लेम पर सूजी को भूनें। हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई हुई है सूजी। अब इसमें साथ ही हम लोग मैदा ऐड कर देंगे। मैदे को भी 1 मिनट के लिए हम लोग भून लेंगे। 1 मिनट हमारा हो चुका है भूनते हुए मैदे को। अब इसमें हम लोग बेसन ऐड कर देंगे, इसे भी मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनेंगे। बेसन भी हमारा 1 मिनट के लिए भून गया हुआ है। अब इसमें हम लोग थोड़े नट्स ऐड करेंगे, बाकी गार्निश के लिए रख लेंगे। 1 मिनट के लिए हम लोग ये सारे नट्स को भी भून लेंगे ताकि सारा फ्लेवर हलवे में आ जाए। सब चीज़ें हमारी अच्छे से भून चुकी हुई हैं। अब इसमें हम लोगों ने जो चाशनी तैयार की थी वो ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम चाशनी को ऐड करें। फुल हाई फ्लेम करके हम लोगों को इसको पानी खुश्क करना है। पानी खुश्क हो चुका हुआ है, फ्लेम को हम लो कर लेंगे और हमें उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक हमें घी नज़र ना आना शुरू हो जाए। हल्का हल्का लो फ्लेम करके हम लोग इसे 1 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि घी निकल आए। 1 मिनट हमारा हो चुका है और ये देखें माशाल्लाह कितना दानेदार और कितना मज़े का हमारा हलवा नज़र आ रहा है। ये देखें, अब इसे हम लोग डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें मज़ेदार सा हमारा शाही हलवा तैयार है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सर्दियों में ज़रूर बना के बच्चों को दें, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये। और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें और प्यारा सा एक कमेंट भी करें कि आपको ये हलवा कैसा लगा। तो अगली रेसिपी में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।